फ्रेंड, आज हम क्लास 12th लेसन फर्स्ट ज्योग्राफी का करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ज्योग्राफी होती क्या है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बनी है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो चीजें पाई जाती हैं उसका वर्णन ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। तो सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था, यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहा जाता है। इरेस्टोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इसके बाद ज्योग्राफी के बाद ह्यूमन ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था, यानी कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के पिता किसको कहा गया, रेटजेल को कहा गया। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजोग्राफी, जो रेटजेल ने लिखी थी। और इन्होंने इस पुस्तक में पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों का वर्णन किया है। इसी के द्वारा मानव भूगोल की परिभाषा दी है। पृथ्वी और उसके ऊपर पाए जाने वाली जो प्रकृति है और मानव के साथ अंतर संबंध है, उनके वर्णन को इस बुक में दर्शाया गया है। अब देखो, भूगोल भूगोल को दो भागों के में बांटा गया है, और इन्हीं भागों के द्वारा हमें समझ सकते हैं कि भूगोल है क्या। तो दोनों भाग कौन से हैं, पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक यानी कि भौतिक जो चीजें हैं जो हमारी प्रकृति में पाई जाती हैं, जल है, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये सब किस में आते हैं, भौतिक भूगोल में। और मानव भूगोल क्या है, अकेले मानव का अपना कोई अस्तित्व नहीं है बिना प्रकृति के। तो मानव का प्रकृति के साथ या भौतिक भूगोल के साथ अंतर संबंध क्या कहलाता है, मानव भूगोल का अपना अकेले का कोई अस्तित्व है। मान लो पानी ही है, पानी अगर मनुष्य नहीं होगा तो पानी का काम क्या रहेगा। पेड़ पौधे हैं, अगर मनुष्य नहीं है, उसको प्रयोग में नहीं लाता है, तो पेड़ पौधों का क्या काम रहेगा। इसीलिए रेटजेल ने बताया है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के जो अंतर संबंध होते हैं वही क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल है। ओया देखो, जो भूगोल को दो भागों में बांटने के बाद अब जो भौगोलिक विचारधाराएं हैं उसके बारे में हमें देखेंगे। भौगोलिक विचारधारा, सबसे पहले भूगोलवेत्ताओं ने अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं दी हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद, जिसको नैतिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। यानी कि मान लो ये हमारा मनुष्य है, तो मनुष्य क्या है, प्रकृति से चारों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे मनुष्य प्रकृति का दास है, ये बात किसने की है, रेटजेल और हम्बोल्ट ने कही है। क्यों कही है, उनका मानना है कि जो मनुष्य है वो चारों तरफ से प्रकृति से घिरा हुआ है। मनुष्य अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए ये इस विचारधारा के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं, रेटजेल और हम्बोल्ट। मनुष्य का इनके अनुसार प्रकृति के बिना कोई भी महत्व नहीं है। अब दूसरी जो विचारधारा वो आती है संभववाद या संभावनावाद। संभावनावाद ठीक पर्यावरणीय निश्चयवाद के अपोजिट मानी गई है। इसमें तो मनुष्य को प्रकृति का दास माना गया है, लेकिन संभाववाद के जो विचारक थे उन्होंने प्रकृति को मनुष्य का दास माना है। उनका मानना है कि जो प्रकृति है वो अपने आप में कुछ भी बिना मनुष्य के कुछ भी नहीं कर सकती है। देखो, जैसे कोई पेड़ पौधे हैं, पानी है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, अगर मनुष्य उनका प्रयोग नहीं करता है, संभववाद विचारक कहते हैं अगर मनुष्य उनका प्रयोग नहीं करता है तो उनका कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए संभववाद के जो विचारक हैं वो मनुष्य प्रकृति का दास है, इस बात के बिल्कुल विरुद्ध हैं। अब तीसरी जो बात आती है वो है नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद के जो प्रवर्तक हैं, समर्थक हैं, वो क्या कहते हैं, पर्यावरण और मानव दोनों को ही महत्वपूर्ण बताया है। अभी बताया है कि संभववाद वाले क्या कह रहे हैं, प्रकृति को
कुछ नहीं है मनुष्य के बिना, और निश्चयवाद वाले कह रहे हैं कि मनुष्य कुछ भी नहीं है प्रकृति के बिना। तो नव निश्चयवाद के जो समर्थक आए हैं, यानी कि इनको आधुनिक निश्चयवाद विचारक भी कहा गया है, ये क्या कह रहे हैं कि पर्यावरण और मनुष्य दोनों मिलकर इसको महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसके जो नव निश्चयवाद के समर्थक हैं वो ऑस्ट्रेलिया के रेटजेल सबसे बड़े भूगोलवेत्ता रहे हैं, उन्होंने कहा है, उनका मानना था कि रुको सोचो और जाओ, जैसे ट्रैफिक सिग्नल के लिए लाल पीली हरी जो सिग्नल दिए जाते हैं उसी तरह उनका भी यही मानना है कि रुको सोचो और जाओ। यानी कि मान लो आप पर्यावरण और मनुष्य दोनों का आपस में संबंध है, लेकिन दोनों में तालमेल का होना जरूरी है। ना तो हम मनुष्य को ज़्यादा पर्यावरण का उपभोग करना चाहिए, और ना ही जब मनुष्य ज़्यादा उपभोग नहीं करेगा तो पर्यावरण भी मनुष्य के साथ अच्छे से व्यवहार करेगा। जो रेटजेल है वो क्या कह रहे हैं, मान लो तुम कोई पेड़ काटने जा रहे हो या प्रकृति के साथ कुछ भी करने जा रहे हो, तो सबसे पहले रुको रुको, यानी कि उसके बारे में जो काम आप कर रहे हो, कोई पेड़ काट रहे हो तो रुको, फिर सोचो और फिर जाओ, यानी कि फिर उस काम को करो आप क्या करना चाहते हो। तो अति यानी कि मान लो मनुष्य ही है पर्यावरण के साथ अति दोहन कर रहा है, तो उसके दुष्परिणाम आने वाले भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए नव निश्चयवाद के जो प्रवर्तक रहे हैं उन्होंने पर्यावरण और मनुष्य दोनों को मिलजुल कर यानी कि एक दूसरे के साथ सहयोग से रहने की विचारधारा को प्रदर्शित किया है। हमने भौगोलिक विचारधाराएं जो तीन दी गई हैं तीनों के बारे में पढ़ा है। अब आगे तुम्हारा एक क्वेश्चन और रहता है, इसमें वो है भूगोल के क्षेत्र और इसके उपक्षेत्र, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।